दामिनी ने जीता केस, राधा बनी कोर्ट में विलेन। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। बात हो रही है जी टीवी के पॉपुलर शो प्यार का पहला नाम राधा और मोहन की, जहां के आने वाले एपिसोड में आप बहुत सारे धमाकेदार ट्विस्ट देखने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहां पर सब कुछ राधा के साथ उल्टा होता है और राधा जो है कोर्ट में सबकी नजरों में विलन बन जाती है। जी हाँ, यहाँ पर दामिनी की वकील वेदिका जो है एक एक करके मोहन के परिवार वालों को कटघरे में बुलाती है, जहाँ पर सारे के सारे लोग जो है राधा के खिलाफ ही बयान देते हैं। इसी के साथ साथ दामिनी का पलड़ा भारी हो जाता है और राधा सबकी नजरों में विलन बन जाती है। यही नहीं, यहाँ पर देविका जो होती है वो राधा के कैरेक्टर पर भी कीचड़ उछालती है, जहाँ पर राधा कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि इस बार उसके पास कोई सबूत नहीं होता है और बेचारा अकेला मोहन कर भी क्या लेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर सब लोगों को लगता है कि जल्दी से यहाँ पर राधा को फांसी की सजा सुना दी जाए। दूसरी तरफ ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर दामिनी जो है वो केस जीत लेती है, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है। अब आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आकर राधा अपना गुनाह कबूल कर लेगी और वो आखिरकार कह देगी कि उसने ही तुलसी जीजू को मारा है, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से राधा कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करेगी और कैसे यहाँ पर राधा को फांसी की सजा होगी। सीरियल राधा मोहन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।